स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और जो हमारा चैप्टर चला था इश्यू ऑफ शेयर्स, इसमें हमने कल की वीडियो में 58 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 59 से करने वाले हैं, जिसमें आपकी हेडिंग है ओवर सब्सक्रिप्शन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इश्यू एट प्रीमियम। क्वेश्चन नंबर 59 पढ़ेंगे, कंपनी इशू 10,000 शेयर ऑफ 10 ईच प्रीमियम था 1 का, यानी कि कंपनी 10,000 शेयर इशू करे हैं प्रीमियम पर, 10 ईच था यानी 11 रुपये करे। ओके, पेमेंट ऐसे है, एप्लीकेशन 3 है, अलॉटमेंट 4 है, प्रीमियम इंक्लूड है, फर्स्ट कॉल 2 है, सेकंड एंड फाइनल कॉल 2 है। ओके, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड 20,000 शेयर, यानी कि 10,000 शेयर निकाले थे कंपनी ने, 20,000 शेयर पब्लिक ने मांगे, यानी कि 10,000 ज्यादा, 5,000 शेयर तो रिजेक्ट कर दिए सर, और बाकी बचे कुछ पर प्रोराटा कर दिया, यानी कि 5,000 शेयर से रिजेक्ट, बचे 20,000 में से 5,000 रिजेक्ट कर दिए, तो 15,000 वालों कितने दिए, 10,000। द डायरेक्टर मेड बोथ द कॉल्स एंड ऑल द मनी वाज रिसीव, डायरेक्टर ने दोनों कॉल बनाई और दोनों कॉल रिसीव्ड हो गए। एक पर्सन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पैसा नहीं दिया 400 शेयर्स का, जो फॉरफिटेड कर दिए और बाद में 300 शेयर रीशूट करे 15 के हिसाब से, यानी कि 10 पे करने थे 15 पे करे, यानी कि प्रीमियम पर रीशूट करे। अब आपको एंट्रीज पास करनी है नव की। ओके, तो देखो बेटा ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 59, सबसे पहली एंट्री क्या होगी एप्लीकेशन की, बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 20,000 शेयर आए थे, 20,000 इंटू 3 60,000 रुपये। उसके बाद एप्लीकेशन की सेकेंड एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कुछ पैसा रिटर्न किया है तो वो बैंक में आएगा और कुछ एडजस्ट किया है तो वो टू शेयर अलॉट। 5,000 शेयर रिटर्न करें तो 5,000 इंटू 3 15,000 तो जाएगा बैंक में, और 5,000 ही एडजस्ट करें तो 5,000 इंटू 3 15,000 शेयर अलॉटमेंट में, 10,000 इंटू 3 30,000 शेयर कैपिटल में, और जोड़ 60,000 यहाँ। ये हो गई एप्लीकेशन की एंट्री। आगे बढ़े, अलॉटमेंट की पहली एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR, क्योंकि अलॉटमेंट पर प्रीमियम है तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। प्रीमियम था 1 का तो 10,000 इंटू 1 करेंगे तो 10,000 आएगा, 10,000 इंटू 3 करेंगे तो 30,000 आएगा, और अलॉटमेंट टोटल थी 4 की तो 10,000 इंटू 4 40,000। लेकिन जो बात गौर करने वाली है वो है सर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड की। एंट्री तो मैं बता दूं, बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, लेकिन सर पैसा कितना रिसीव हुआ, देखो 400 शेयर का पैसा नहीं दिया लेकिन उसे दिए कितने थे, उसने 400 शेयर का पैसा नहीं दिया क्योंकि उसे 400 अलॉट हुए थे, उसने अप्लाइड कितने करे, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड अपॉन नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड। 20,000 टोटल शेयर अप्लाइड करे थे जिसमें से 5,000 रिजेक्ट कर दिए, यानी कि 15,000 अप्लाइड हुए, 15,000 वालों को 10,000 दिए और 400 शेयर। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 600 शेयर, यानी कि सर 600 शेयर उसने मांगे थे, हमने 400 दिए तो उसने 400 का पैसा नहीं दिया, कितने का पैसा दे दिया, 200 का। तो देखो बेटा 400 शेयर का पैसा नहीं दिया अलॉटमेंट पर, 400 इंटू 4 1600, लेकिन 200 का पैसा दे दिया है शुरुआत में ही एप्लीकेशन पर ही, कितना 600, यानी कि कॉल सिनेरियो कितना रहा 1,000। अब देखो बेटा आने थे 40,000 जिसमें तो 15,000 पहले ही आ गए तो 25,000, और 25,000 में से 1,000 माइनस यानी कि 24,000 अलॉटमेंट मनी रिसीव।
ओके उसके बाद आया हूँ फर्स्ट कॉल पर। फर्स्ट कॉल की पहली एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा फर्स्ट कॉल की हमारी दो की 10,000 × 2 = 20,000। फर्स्ट कॉल पर भी 400 शेयर का पैसा नहीं आया, यानी 400 × 2 = 800 का पैसा नहीं आया। 20,000 में से 800 माइनस कर दूंगा। एंट्री क्या होगी बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। 20,000 में से 800 माइनस करूंगा 19,200। ये तो फर्स्ट कॉल का हो गया। फाइनल कॉल की एंट्री क्या होगी सेकंड फाइनल कॉल की पहली एंट्री शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फाइनल कॉल कितने की थी फाइनल कॉल भी दो की थी तो ये भी 20,000 10,000 × 2 = 20,000। और इस पर भी पैसा नहीं आया 800 का तो बैंक अकाउंट DR टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। 20,000 में से 800 माइनस करेंगे तो 19,200। तो यहाँ तक तो सारी एंट्री होगी। अब बेटा हम जरा फॉरफिचर की एंट्री करते हैं। देखो फॉरफिचर की पे करते हैं तो देखो शेयर कैपिटल अकाउंट DR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट DR। क्यों? क्योंकि अलॉटमेंट पर प्रीमियम है और अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया सर। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ये तीन का पैसा नहीं दिया और टू शेयर फॉरफिचर कितने आए थे 400 था 400 × 10 = 4,000 और प्रीमियम वन का था 400 × 1 = 400। अलॉटमेंट पे 1,000 का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल पे 800 रुपये का, फाइनल कॉल पे भी 800 रुपये का, बचा कितना 1,000 × 800 = 2,600। 4,400 में 2,600 माइनस करूँगा तो ये 1,800 रुपये। अब देखो बेटा रीशूट करें 15 के हिसाब से। एंट्री क्या होगी बैंक अकाउंट DR डिस्काउंट नहीं है प्रीमियम पर रीशूट करें तो बैंक अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। करने चाहिए थे 300 × 10 करा है 1500 का क्या है हमारा प्रीमियम है। अब बेटा देखो कैपिटल रिजर्व में अमाउंट कितना जाएगा। पहले तो मैं एंट्री लिख दूं शेयर फॉरफिचर अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब देखो बेटा फॉरफिचर में कितना अमाउंट आएगा 1800 आए थे शेयर फॉरफिटेड में और कितने शेयर फॉरफिट करे थे 400। रीशूट कितने करे हैं 300। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये पूरा आएगा हमारा 1800 / 400 × 300 तो ये आया हमारा 1350। क्योंकि हमारे शेयर रीशूट प्रीमियम पर हुए हैं तो यही अमाउंट कैपिटल रिजर्व में 1300 रिजर्व कितना आया 1350। फॉरफिचर में अमाउंट था 1800 रीशूट में आया 1350 यानी बचा कितना 450। ये 450 हमारा क्या है बैलेंस ऑफ फॉरफिचर। अब हम बनाते हैं बैंक अकाउंट। प
पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, देखो शेयर एप्लीकेशन पर कितना पैसा आया था बेटा, 60,000। शेयर अलॉटमेंट पर कितना आया था, 24,000। फर्स्ट कॉल पर कितना आया था, 19,200। फाइनल कॉल पर भी 19,200। रिटर्न किया था 15,000। रीशूट करा कितना पैसा आया, शेयर कैपिटल 4,500। इन सबको मैं जरा जोड़ लेता हूँ, 60,000 प्लस 24,000 प्लस 19,200 प्लस 19,200 प्लस 4,500, 26,900 में से ये 15,000 माइनस करूँगा तो बैलेंस आएगा मेरा 111,900। अब मेरा आंसर दिखाता हूँ आपको, बैंक बैलेंस इतना आया है, फॉरफिचर का अमाउंट इतना आया है, कैपिटल रिजर्व इतना आया है। मैं आपको बताऊंगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का कैसे क्या हुआ। देखो बेटा यहाँ बता दे रहा हूँ, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमारा जो वो था, क्या कहते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमारा जो अलॉटमेंट पर था वो कितने का था, 10,000 रुपये। उसके बाद रीशूट हुए शेयर कितने पे, 1,500 पे, कितना हो गया 11,500। और शेयर फॉरफिट हुए थे 400, मतलब 400 सिक्योरिटी प्रीमियम था 400 वाली आंटी में, तो यानी कि आया 11,100। तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आएगा, 11,100। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में सिर्फ एक ही क्वेश्चन नंबर 59, क्योंकि आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो मैंने एक ही क्वेश्चन आपको बता दिया है। अगली वीडियो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 66।